हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप सब लोग बताने वाला हूँ कैसे आप सब लोग ओडोबी प्रीमियर प्रो, जो कि यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे आप काफ़ी आसानी से 4 GB रैम और i3 प्रोसेसर पे काफ़ी आसानी से कैसे चला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। हे गाइस, माय नेम इज महेंद्र अचिंग वी आर ऑलराउंडर्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लैपटॉप रखा है जो कि है HP का, जिसमें आप सब लोग को i3 प्रोसेसर है और उसके साथ यहाँ पे 4 GB रैम है। जो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर अपना वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो है, उसको मैं अपने 4 GB रैम में i3 प्रोसेसर के साथ यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे यहाँ पे GPU भी है इंटेल का उसके साथ। और मैं इसमें क्या करता हूँ कि 720p 1080p तक यहाँ पे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है 1080p तक आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आप सब लोगों को क्या होगा कि बीच में अटक जाएगा या रुक जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग बताएगा। 1080p तक आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप सब 4K देखेंगे, मैं इसमें कम से कम 5-6 बार 4K वीडियो एडिटिंग कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग बताने लगता है, तो काफ़ी रुक जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर आप यहाँ पे 1080p यूज़ करते हैं, 1080p अगर यहाँ पे एडिट करते हैं तो कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली। मैं तो आप सब लोग का कहूँगा 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, तो अगर आप सब लोग 720p करेंगे तो अगर आप सब लोग हल्का फुल्का इफेक्ट भी लगाना चाहते हैं तो उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें आप सब लोग कोई भी थोड़ी सी भी नॉट रिस्पॉन्डिंग या हैंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे जितना भी CPU का आता है 90 से 95% तक CPU यूज़ ये करता है यहाँ पे Adobe Premiere Pro। तो उसमें आप सब लोग क्या रहेगा कि जब भी आप सब लोग Adobe Premiere Pro यूज़ करें तो फर्स्ट थिंग ये आप सब लोग देखें कि आप सब लोग बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर रन ना हो रहा हो, सिर्फ आप सब लोग अकेला Adobe Premiere Pro चल रहा हो। देखना होगा कि आप सब लोग की कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रनिंग ना हो रही हो। और उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, जो भी उसको क्लोज कर दीजिएगा। और उसके बाद सेकंड चीज़ में अभी आप सब लोग को दिखाऊंगा अभी, और यहाँ पे सेकंड चीज़ आप सब लोग का क्या रहेगा कि आप सब लोग कोई भी एंटीवायरस ना यूज़ करें। अगर आप सब लोग को पहले से इंस्टॉल है तो उसको क्या करिए, उसको एंड कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए उसको स्टॉप कर दीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे एंटीवायरस हो तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है CPU का, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है वो दिखाता भी नहीं है। तो ये चीज़ करिएगा कि एंटीवायरस जहाँ तक हो कि आप सब लोग यूज़ ना करें तभी सही है। तो एंटीवायरस दूसरी चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो आप सब लोग के जैसे ही आप सब लोग का कंप्यूटर स्टार्ट होता है तुरंत वो रनिंग में चलने लगता है, तो उसको आप सब लोग को यहाँ पे एंड कर देना है, उसको यहाँ पे बंद कर देना है। तो इसको मैं आप सब लोग को बताऊँगा। उसके बाद आप सब लोग को यहाँ पे प्रेस करना है, सेकेंड चीज़ यहाँ पे रहेगी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट पे। जैसे ही आप सब लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे मोर डिटेल ये आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर आप सब लोग अब चले जाना है परफॉर्मेंस पे, यहाँ पर सेटअप पे, सेटअप पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं आप सब लोग, जिसको जिसको आप सब लोग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप सब लोग बता दूँ कि आप सब लोग क्या करिएगा, जो विंडोज़ के हैं उसको डिसेबल मत करिएगा। विंडोज़ के हैं जो आप अभी सब उसको इंस्टॉल करें हों उसको यहाँ पे आप सब लोग करिएगा, क्योंकि जो विंडोज़ वाले रहेंगे तो आप सब लोग को कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे 29.9% या 25 ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे Adobe Premiere Pro ऑन करता हूँ यहाँ पे 90 से 95% चला जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाता है कि अगर मैं सिर्फ Adobe Premiere Pro को ही यहाँ पे ऑन रखता तो ये 95 से 90% तक चला जाता है। तो यहाँ पे आप सब लोग को और सब यहाँ पे डिसेबल कर देना होगा, और यहाँ पे सिर्फ जो आप सब लोग इंस्टॉल करें उसी को डिसेबल करिएगा। तो गाइस, अगर आप सब लोग अपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सब लोग क्या करिए, बैटरी सेटिंग में जाइए, जो परफॉर्मेंस उसको हाईएस्ट पे रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आप सब लोग की जो परफॉर्मेंस रहेगी ज़्यादा यूज़ होगी। और मैं तो कहूँगा आप सब लोग जब भी यूज़ करें अपना चार्जिंग में लगा कर यूज़ करें, तो उससे आप सब लोग को और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये चीज़ काफ़ी कोई नहीं बताता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप सब लोग का यहाँ पे होता है कि थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो इसको आप सब लोग यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं थर्ड थिंग जो मैंने बताई थी, ये बैटरी है, जो इस पर चले जाना आप सब लोग बैटरी पर। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस पे मैंने रखा है, ये देखिए परफॉर्मेंस आप सब लोग को हमेशा एकदम बेस्ट पे रखनी है, तो जो कि आप सब लोग को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप सब लोग चले जाइए Adobe Premiere Pro में, वहाँ पे आप सब लोग लो सेटिंग में इसको एडिट करिए वीडियो एडिट, तो वहाँ पे आप सब लोग हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तो कहूँगा इफेक्ट जो है आप सब लोग थोड़े कम यूज़ करिए, जैसे आप सब लोग इफेक्ट लगाते हैं तो ये थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग बताएगा, लेकिन अगर आप सब लोग 720p करते हैं तो आप सब लोग काफ़ी हद तक ठीक रहेगा,
काफ़ी कम या तो नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा आप सब लोग नॉट रिस्पॉन्डिंग या हैंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आप सब लोग किया करिए 720 पे एडिट करिए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। अगर आप लोग कैमरा यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी सही है और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर मोबाइल से करते तो भी ठीक है। 720p पे बहुत कम ही लोग यहाँ पे, अभी आप सब लोग पता है कि काफ़ी कम ही लोग 480p तक 360p तक ही देखते हैं, और यहाँ पे अगर आप 720p पे डालते हैं तो भी आप सब लोग को सही रहेगा। 4K पे कोई नहीं देखता, ना ही 1080p पे, 1080p पे बहुत कम ही लोग देखते होंगे, 720p तक हाईएस्ट लोग देखते हैं यूट्यूब पे। तो मैं तो आप सब लोग को कहूँगा कि आप सब लोग वो यहाँ पे 720p पे ही एडिट करें और रिकॉर्ड भी करें। अगर आप सब लोग कोई वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करें तो उसे कंप्रेस कर लें और उसके बाद अपलोड करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइस अब तक आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि इस तरह कैसे आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ चलेगा। मैं इसको ये यूज़ कर रहा हूँ कम से कम 8 मंथ से, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप सब लोग 720p पे यूज़ करिए और वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसी पर एडिट करिए, इफेक्ट लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Adobe प्रीमियर सेटिंग में आप सब लो सेटिंग में चलाइए, कोई भी दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आप सब लोग काफ़ी हाई है जो भी कुछ और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसी टाइप में। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।